कितना अच्छा होगा ना अगर हरी मटर हम साल में कभी भी यूज़ कर सके। अक्सर हरी मटर बस ठंडियों के सीज़न में आता है और फिर बाद में मिलता है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। तो आइए ठंडी ख़त्म होने से पहले इन मटर को हम कैसे एक साल तक स्टोर कर सकते हैं वो देखते हैं। अभी मटर काफ़ी सस्ती हो गई है, 4 से 5 किलो आप मटर ले सकते हैं और उसके दाने निकाल कर उसे स्टोर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका चौरसिया, हैप्पी कुक बेक चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ मैंने 2 किलो मटर लिए थे और उनसे मैंने ये दाने निकाल लिए हैं। ये करीबन 1 किलो मटर है। 2 किलो मटर आप लाओगे तो उससे दाने जो निकलेंगे वो करीबन 1 से 1.25 किलो होते हैं। तो इन्हें हम अच्छी तरह पानी से धो लेंगे। 2-3 पानी से धो लीजिए और इसका पानी हम निकाल देंगे। और एक बड़े पतीले में हमने 1.5 लीटर पानी डाला है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। और इस पतीले को हम गैस पे चढ़ा देंगे और एक बॉईल आने तक इसे पकने देंगे। जैसे ही आपको लगे कि ये बॉईल आने वाला है तब हम इसमें ये धुली हुई मटर डाल देंगे और बस इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेना है। मिक्स कर देंगे इसे। अभी मटर बिल्कुल नीचे बैठी हुई है, जैसे ही ये उबल जाएगी ये ऊपर तैरने लगेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट इसे बॉईल करना है और गैस को हम बंद कर देंगे। सारी मटर तैर के ऊपर आ रही है, मतलब ये बॉईल हो चुका है। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट। अब इन मटर को हम छान लेंगे और इसे आइस कोल्ड वाटर में डाल देंगे। बर्फ़ के पानी में इसे हमें डालना है ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो सके। तो सारा मटर हम इस तरह छान लेंगे और इसे बर्फ़ के पानी में डाल देंगे। मिक्स कर देंगे इसे और जब बर्फ़ के पानी में ये अच्छी तरह नीचे बैठ जाए पूरी मटर, ये देखिए कोई भी मटर तैर नहीं रही है, मतलब ये इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो गया है। और इसे हम अब वापस छान लेंगे। तुरंत इन्हें बर्फ़ के पानी में डालने से इसका हरा कलर भी बहुत अच्छा मेंटेन रहता है पूरे साल के लिए। तो इसी तरह हमने पूरा मटर छान लिया है और इसे अब हम एक सूती कपड़े पे बिछा देंगे, फैला देंगे सारे मटर को और इन्हें पंखे के नीचे 1 से 2 घंटे के लिए सुखा लेंगे। बस इन पे लगा हुआ पानी सूख जाना चाहिए, मटर को नहीं सुखाना है, बस पानी पूरी तरह कपड़े पे सोख जाना चाहिए। ये देखिए 2 घंटे बाद ये बिल्कुल अच्छी तरह सूख जाते हैं। इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी भी ज़िपलॉक बैग में या फिर कोई भी पॉलीथीन बैग जिसमें हवा ना जा सके। इसे हम पैक कर देंगे और इसे फ्रीज़र में हम स्टोर कर सकते हैं 1 साल तक। जब भी आपको इसे यूज़ करना हो तब आप इसे इन्हें आवश्यकता अनुसार निकाल लें और इसे नॉर्मल पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें तो ये बिल्कुल फ्रेश मटर जैसे तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बाहर की तरह फ्रोज़न मटर है ये, जो कि 1 साल तक या बहुत लंबे समय तक टिक जाता है। तो आप इसी तरह हरे मटर को स्टोर कर सकते हैं। हरी मटर महंगी होने से पहले इस प्रोसेस को कर लें और इसे साल भर तक एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।